पिछले दिनों जयपुर आगरा हाईवे पर सड़क दुर्घटना में घायल बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने ट्वीट कर मीडिया के खिलाफ भड़ास निकाली। दुर्घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि सेंसेशन की भूखी मीडिया और जनता के कुछ लोगों ने उनकी छवि बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मथुरा से सांसद और बीजेपी नेता हेमा मालिनी अब मीडिया से खफा है। आगरा से जयपुर जाते समय सड़क दुर्घटना में घायल हुई फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने ट्विटर पर मीडिया के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। दुर्घटना का जिक्र करते हुए हेमा ने लिखा है कि सेंसेशन की भूखी मीडिया और जनता के कुछ लोगों ने मेरी छवि बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब मैं असहाय थी और बहुत गहरे सदमे में थी, हेमा ने ये भी लिखा कि विश्वास नहीं होता कि ये लोग मानवता के सबसे निचले स्तर पर गिर गए। पिछले दिनों जयपुर आगरा हाईवे पर हेमा मालिनी की कार जिस वैगनआर कार से टकराई थी उसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी, लेकिन सांसद हेमा ने घटना के लिए बच्ची के पिता को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा है कि अगर बच्ची के पिता ने ट्रैफिक नियमों का पालन किया होता तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। मेरा दिल उस बच्ची के लिए रोता है जिसने बेवजह अपनी जिंदगी गंवा दी और उसके परिवार वालों को इस दुर्घटना में चोटें आई। उधर मृतक बच्ची के पिता हनुमान महाजन ने कहा है कि हेमा मालिनी गणमान्य शख्सियत है, लेकिन उन्हें मेरा कसूर ठहराना उचित नहीं है। मैं गलत रास्ते पर नहीं था, दरअसल उस सड़क पर कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। मैंने तो संकेतक भी दिए थे, वे एक बड़ा नाम है, लेकिन दूसरे पर आरोप लगाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। और अगर मुझे दोष देने से पहले उन्होंने मेरी बच्ची को अस्पताल भेजा होता तो उसकी जान बच जाती। जनप्रतिनिधि है, कम से कम कोई चीज बोलनी है तो कम से कम सोच के बोलनी चाहिए। अपन क्या बोल, बड़े आदमी है कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि पहले हैं, जनता के लिए हैं, जनता ने चुना है, उस चीज को देखना चाहिए। मुझे एक रूल ये बता दे कि इस चीज का मैंने पालन नहीं करा, मैं थोड़ी सी भी तेज स्पीड पे होता तो मैं निकल चुका होता, मेरे साथ ये हादसा नहीं हो पाता। जनप्रतिनिधि मेरी बेटी को छोड़ के चले गई, सेल्फ गाड़ी में बैठ के चली गई, कम से कम मेरी गुड़िया थी छोटी, गाड़ी से उछल के बाहर गिर गई, उसको ले जाती तो आज शायद हमारे साथ होती। सबसे बड़ा दुख इसी चीज का है मुझे। 2 जुलाई को आगरा जयपुर हाईवे पर दौसा के पास हुए हादसे में पीड़ित परिवार की बच्ची मरने के अलावा कई लोग घायल भी हुए थे, जबकि हेमा मालिनी के चेहरे पर भी चोट आई थी। उन्हें फौरन जयपुर के फूपीज अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उधर राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने दौसा पुलिस और CMHO से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है कि क्या हादसे में मौत का शिकार हुई बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिला था। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।